नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। ये नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज शाम की कुछ खास खबरों पर। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जयराम सरकार जल्द ले सकती है बड़ा फैसला। कोरोना का दंश देश के अमूमन प्रत्येक देशवासी ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से झेला है। पहली और दूसरी लहर में लाखों लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। अब खतरा तीसरी लहर का है। दुनिया भर में तीसरी लहर ने दस्तक दी है। वहीं देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 40,000 के आसपास बना हुआ है। इधर हिमाचल प्रदेश में भी सक्रिय कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते हिमाचल सरकार के माथे पर शिकन बढ़ गई। वहीं जयराम सरकार ने कोरोना के ग्राफ को नीचे लाने के लिए जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। स्कूली छात्रों को बड़ी संख्या में संक्रमित होने के बाद स्कूल्स को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सार्वजनिक समारोह, उत्सवों और बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी कई बंदिशें लगाई जा सकती हैं। सेना में भर्ती होने का मौका, रामपुर में 2 मार्च से भर्ती। कोरोना काल में सेना में भर्ती होने का मौका है। रामपुर की अवेरी में भारतीय सेना में विभिन्न पदों के लिए भर्ती रैली होने जा रही है। सेना भर्ती निदेशक कर्नल शलभ सनवाल ने बताया कि शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले के युवाओं के लिए भारतीय सेना में सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक लिपिक, स्टोर कीपर तकनीकी और सैनिक ट्रेडमैन के पदों के लिए खुली भर्ती 2 से 14 मार्च तक प्रति सेना स्टेशन रामपुर बुशहर में होगी। 5 किलोमीटर पैदल चलकर वैक्सीनेशन टीम ने ग्रामीणों को लगाया टीका। कोरोना का दंश पूरे देश ने झेला है। पहली और दूसरी लहर में देश भर में लाखों मौतें हुई। हालांकि तीसरी लहर से बचाव के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वैश्विक महामारी को हराने के लिए टीका ही एकमात्र उपाय है, जिसके चलते फ्रंटलाइन वर्कर दिन रात कोरोना को मात देने में जुटे रहते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग कर्मियों द्वारा अहम भूमिका निभाई जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों ने मंडी जिले के दुर्गम क्षेत्र बटवाड़ा के ग्रामीणों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया। इस दौरान उन्हें 5 किलोमीटर पैदल सफर तय करना पड़ा। हिमाचल में पूर्व प्रधान ने सुहागिन बहू को विधवा बताकर बीपीएल में किया शामिल। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर बैठते। मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत भांबला के पूर्व उप प्रधान रत्नचंद ठाकुर पर अपनी सुहागिन बहू को विधवा बताकर बीपीएल परिवार में शामिल करने का आरोप लगा है। सीएम जयराम से मिलने पहुंचे लोग धरने पर बैठे, कांगड़ा विश्राम गृह में हुआ बवाल। सीएम जयराम ठाकुर आज कांगड़ा में हैं। इस दौरान वो कांगड़ा स्थित विश्राम गृह पहुंचे। वहां पार्टी नेताओं से मिले तो उनसे मिलने के लिए स्थानीय लोग भी पहुंच गए। इसी दौरान बवाल हो गया। बवाल करने वाले कोई और नहीं बल्कि कांगड़ा शहर से लगती ललेहड़ पंचायत के लोग थे। ये लोग विश्राम गृह में धरने पर बैठ गए। ये लोग मटौर शिमला 4 लेन निर्माण की जद में आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि मुआवजा नहीं चाहिए पर उन्हें विस्थापित न किया जाए। तो ये थे हिमाचल से जुड़े हुए आज शाम के कुछ खास समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे।